हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की निकल कर आ रही हैं। सीधे बात करते हैं दोस्तों पहले बड़ी खबर की, तो गूगल असिस्टेंट अब बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाएगा। जी हां, गूगल असिस्टेंट को तो आप सभी जानते होंगे ना दोस्तों, और बच्चों को भी तो कहानियां सुनना काफी पसंद होता है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए गूगल असिस्टेंट ने एक नया फीचर पेश किया है, और अगर आप भी अपने बच्चों को कहानियां लोरी वगैरह नहीं सुना पाते हैं तो अब आपको ये फीचर काफी काम आएगा। हां, वैसे भी आजकल पेरेंट्स माता पिता टाइम ही कहा है ना। तो दरअसल दोस्तों गूगल ने अपनी असिस्टेंट सर्विस में बेड टाइम स्टोरीज की सुविधा उपलब्ध करवाई है, और आपको एंड्रॉइड डिवाइस पर बोलना है हे गूगल टेल मी अ स्टोरी, और उसके बाद असिस्टेंट कहानियां सुनाने लगेगा। तो ये बहुत ही मजेदार फीचर्स पेश किया है गूगल ने। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, दसवीं और बारहवीं में फेल छात्रों को अब पास होने का मिलेगा एक और मौका। जी हां, दसवीं और बारहवीं एग्जाम में जो फेल हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स का साल बचाने के लिए अब एक नई सुविधा शुरू की गई है। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS ने फिलहाल इसे लेकर एक बड़ी पहल शुरू की है, जिसके तहत देश के किसी भी परीक्षा बोर्ड के फेल छात्र सीधे आवेदन कर पास होने के साथ ही अपना ग्रेड भी सुधार सकते हैं। इसके साथ ही नौवीं और ग्यारहवीं के भी ऐसे फेल छात्रों के लिए मौका उपलब्ध रहेगा जिन्हें अभी दो बार फेल होने के बाद स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में वह अब NIOS की मदद से अपनी गलती सुधार सकते हैं और छात्रों का साल भी बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों तेलंगाना, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में ये सुविधाएं शुरू की जा चुकी हैं और आप भी इनका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी पर अक्सर हमला करने वाले बॉलीवुड एक्टर ने कर दी उनकी तारीफ, ट्वीट हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, KKR यानी कि कमाल आर खान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वो अक्सर ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने ट्वीट किया है वो वाकई में राजनीति को पूरी को हिला के रख दिया है। उन्होंने लिखा है कि अब शरद पवार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और मायावती कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बेहतर पीएम होंगे, और ये साबित करता है कि प्रत्येक विपक्षी नेता पीएम बनने के लिए मरे जा रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी को मतदान करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अभी भी इन सत्ता के लिए भूखे लोगों से अच्छे हैं। कमाल खान ने इस तरह विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की खूब तारीफ भी की है, और इसीलिए उनका ये ट्वीट काफी वायरल भी हो रहा है। अच्छा, अगले बड़े खबर दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 11 के रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू होने जा रहे हैं, और इस दिन ऑन एयर होगा शो। जी हां, अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन के रजिस्ट्रेशन 1 मई को 9 बजे से शुरू हो जाएंगे, और आप भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे 1 मई से ही। ओके, अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों, CBSE 10th और 12th रिजल्ट 2019 को लेकर है। कब आएगा दसवीं और बारहवीं बोर्ड का रिजल्ट, इसके बारे में CBSE ने जानकारी दी है कि एक्सपेक्टेड दोस्तों ये मई के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। अभी फिक्स तारीख तय नहीं है, लेकिन मई थर्ड वीक में आ सकता है। ओके, अच्छा अगले बड़े खबर है दोस्तों, फेसबुक बन जाएगा सबसे बड़ा कब्रिस्तान, जिंदा से ज्यादा मरे लोगों का होगा अकाउंट। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि फेसबुक पर अगले 50 साल में जीवित लोगों से ज्यादा हो सकते हैं मृत लोगों के अकाउंट। दरअसल ये जानकारी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दी है, और इस बारे में काफी महत्वपूर्ण बात सामने आई कि डिजिटल धरोहर को भविष्य में हम किस तरह से रखते हैं, इसके बारे में हमें और ज्यादा सोचने की जरूरत है। और रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि अगले 50 साल में फेसबुक पर जीवित से ज्यादा मरे हुए लोग हो सकते हैं, है ना, तो डरिएगा मत। अच्छा, अगले बड़े खबर दोस्तों, बच्चों के भविष्य को मजबूती देगा वेब इंश्योरेंस, केनरा बैंक ने शुरू की नई पहल। जी हां दोस्तों, केनरा बैंक और उसके जीवन बीमा साझेदार केनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट के माध्यम से आसानी से जीवन बीमा खरीदने में सक्षम बनाने के लिए वेब इंश्योरेंस शुरू करने की घोषणा की है। ये पूरी तरह से डिजिटल होगा और पेपरलेस होगा, और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राहकों को एक ही स्थान पर सुविधाजनक ऑनलाइन समाधान प्रदान करने की दिशा में वेब इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ये केनरा बैंक की तरफ से एक नई पहल है, अच्छा अपडेट है। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, पीएम से मिले सनी देओल, मोदी बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। जी हां, सनी देओल ने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी, आप सभी को पता होगा राइट, और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सनी देओल के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सनी देओल के बारे में जिस बात ने मुझे प्रभावित किया है वह है उनकी विनम्रता और एक बेहतर भारत को लेकर उनका पैशन। तो इन दोनों की ही सोच बहुत ही अच्छी है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक्टर सनी देओल दोनों की ही विचार बहुत ही अच्छे हैं देश के प्रति, ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है ना। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, सरकारी पोर्टल पर मिलेगी GST ई चालान निकालने की सुविधा। जी हां, माल एवं सेवा कर यानी कि GST अधिकारी एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रहे हैं जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों को सरकारी या GST पोर्टल पर प्रत्येक बिक्री के लिए ई चालान निकालना होगा। तो ये नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। अच्छा, अगले बड़ी खबर है दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेलो ने दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर 1.6 लाख खातों को और 50 लाख पोस्ट को हटाया है। जी हां, हेलो ऐप को तो आपने कभी यूज किया होगा, तो उससे 1.5 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए हैं। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, 35,000 की बाइक सिर्फ 4,999 रुपए में घर ले जा सकते हैं आप भी,
माइलेज है इसका कंपनी बता रही है 95 किलोमीटर प्रति लीटर यानी 95 का एवरेज देगी है। बाइक है टीवीएस की स्पोर्ट्स ईएलएस नाम इसका 100 सीसी इंजन है। अब दोस्तों बाइक तो 35,000 की है लेकिन आप इसे सिर्फ 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट देकर के आप अपने घर पर ला सकते हैं और आसानी से ईएमआई चुका सकते हैं। तो ये कंपनी की तरफ से नया ऑफर निकाला गया है, अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो एक्स शोरूम पर जाकर के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके अच्छा अगले बड़े खबर दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर है। आज 29 अप्रैल को 71 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है ऑलरेडी और ऐसे में दोस्तों आज टोटल 9 राज्यों में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश बिहार और राजस्थान समेत 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज मतदान होंगे। आप भी जरूर वोट देने जाएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे देश भारत के लिए आपका वोट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगले बड़े खबर है दोस्तों देश के 8 राज्यों में आतंकी हमले का अलर्ट है। पुलिस को फोन पर मिली आतंकी हमलों की जानकारी। जी हां दोस्तों डरिएगा मत क्योंकि देश में जो न्यूज में बड़ी खबरें चल रही है वो बताना ही मेरा फर्ज है। तो ऐसे में दोस्तों आप यहां देख पा रहे होंगे 7 राज्यों में आतंकी हमलों के डर से अलर्ट जारी कर दिया है। बंगलुरु पुलिस को जानकारी मिली है कि कई शहरों में हो सकता है हमला। कर्नाटक के डीजीपी ने सभी राज्यों को लेटर जारी कर कहा है कि पुलिस को फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को लोरी ड्राइवर बताया है और उसने पुलिस से कहा कि तमिलनाडु कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश तेलंगाना गोवा महाराष्ट्र और पांडिचेरी के प्रमुख शहरों पर इस तरह की घटना हो सकती है, ट्रेन वगैरह में इसे हो सकता है। तो जरा आप भी सावधान रहे, अलर्ट रहे, अपने छोटे बच्चे बच्चों का खास ध्यान रखें। बाकी ऐसी वैसी घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, जो ईश्वर ऊपर वाले की इच्छा होगी सब अच्छा ही होगा, है ना। अच्छा अगले बड़ी खबर दोस्तों उड़ीसा में अमित शाह ने कहा मोदी रोज 18 घंटे काम कर रहे हैं जबकि राहुल हर 2 महीने में छुट्टी ले लेते हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उड़ीसा के मोरादा और इन जगहों पर कई सारी जनसभाएं की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुट्टियां बहुत कम लेते हैं और दिन में तकरीबन 18 घंटे काम करते हैं। जी हां पीएम मोदी ने पिछले 20 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली है ना, कितनी आश्चर्यजनक बात। इसी तरह के प्रधानमंत्री तो चाहिए हमारे देश को। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों मौसम समाचार को लेकर है। फेनी को लेकर मौसम विभाग ने फिर से जारी किया चेतावनी, जल्द ले सकता है भयंकर रूप। जी आपको पता होगा हाल ही में कुछ 1-2 दिन से फेनी तूफान को लेकर चेतावनियां जारी हैं और ऐसे में अभी भी लगातार चेतावनी जारी है। दरअसल 1 मई तक इस तूफान की उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठ रहा है तो उत्तर पश्चिम की तरफ जो स्टेट्स हैं उनके लोग जरूर सावधान रहे। इसके अलावा भी दोस्तों एक और बड़ी खबर है मौसम समाचार को लेकर है। उत्तराखंड में मंगलवार से करवट बदलेगा मौसम, कई जगहों पर बारिश हो सकती है। सोमवार मंगलवार के बाद उत्तराखंड और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है ना। अच्छा अगले बड़े खबर दोस्तों जेट के बाद अब इस कंपनी की हालत खराब हुई है, कर्मचारियों को नहीं दी जा रही सैलरी। जी आपको पता होगा हाल ही में जेट एयरवेज कंपनी लगभग बंद हो चुकी है और उसके बाद अब एक हेलीकॉप्टर कंपनी जिसका नाम है पवन हंस करके ये भी संकट में आ रही है। काफी समय से इसके भी कर्मचारियों को तनख्वाह तक भी नहीं मिली है। अच्छा अगले बड़ी खबर दोस्तों तेलंगाना रिजल्ट्स आज आ सकते हैं, 10वीं क्लास के परिणाम तेलंगाना बोर्ड के 10th एग्जाम के रिजल्ट्स आज आ सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट है dg1.tn.nic.in इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है बोर्ड के द्वारा इस तरह की जानकारी आ रही है कि आज रिजल्ट जारी हो सकते हैं। अच्छा अगले बड़ी खबर दोस्तों एक सेकंड दोस्तों अपन अगले बड़ी खबरें जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ साथ ही आपसे एक छोटी सी और गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और साथ में अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको अगले अपडेट और बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर है, धूप से बचाएं ईवीएम सीधे रखें और मतदान के 1 घंटे पहले करें मॉक पोल। जी हां ये आदेश आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को धूप और बरसात से बचाएं, उल्टा लटकाने से वो खराब हो सकती है इसलिए इसे सीधा रखें। इसके अलावा सुबह 7 बजे से एनी हाउ मतदान शुरू करवा दें। अच्छा अगले अपडेट में जान लेते दोस्तों आज के सोना चांदी के भाव। तो एक हफ्ते में 300 रुपए महंगा हुआ सोना और बेसिकली सराफा बाजार में सोने की बात करें तो 32,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर अभी सोना पहुंच गया है और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी 150 रुपए की छलांग लगाकर 38,750 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। अगले अपडेट में जान लेते दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के भाव तो स्थिर रहे हैं और बेसिकली भारत में पेट्रोल का रेट है 72.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल का रेट है 66.76 रुपए प्रति लीटर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला अपडेट है दोस्तों 20 रुपए से पहले आ चुके हैं इन सभी रंगों वाले नोट, जानिए इनसे जुड़े राज। जी हां हाल ही में 1-2 दिन पहले खबर आई थी, दरअसल आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक 20 रुपए का एक नया नोट जारी करने जा रहा है जो कि हल्के पीले रंग का होगा, है ना। लेकिन उससे पहले अभी जो हमारे देश में नए नोट चल रहे हैं वो कौन कौन से रंग के हैं तो उनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर इमेज में देख सकते हैं। 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नए नोट तो अभी तक आ चुके हैं और इसके बाद अब 20 का नया नोट भी आने वाला है। अच्छा अगला अपडेट और बड़ी खबर है दोस्तों मात्र 1 रुपए में प्रीमियम में मिल रहा बीमा, बेहतर कवर के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों हमारे देश में कई सारी ऐसी सेवाएं हैं जहां पर आप महज 1 रुपए में अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं और आपकी खुद की जिंदगी के लिए और आपके पीछे आपके परिवार और फैमिली की जिंदगी के लिए आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। मात्र 1 रुपए में मिल रहा तो फिर क्या है। अब ये सुविधाएं आपको कहां
कहां कहां मिलती है। तो पहला आपको मिलता है IRCTC का बीमा कवर। रेलवे का जब भी आप टिकट बुक करते हैं दोस्तों, तो एक रुपए में आपको इंश्योरेंस मिलता है रेलवे की तरफ से, है ना। इसके अलावा दोस्तों ओला कंपनी की कैब अगर आप बुक करते हैं तो एक रुपए में वहां भी आपको बीमा मिलता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेकर, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा दरअसल 12 रुपए वाली जो स्कीम है वहां पर आपको महीने का 1 रुपया खर्च करना है, यानी कि साल के महज 12 रुपए लगाने हैं और आपको बीमा मिलता है 2 लाख रुपए का, यानी कि महज 12 रुपए में आप 2 लाख रुपए तक का फायदा पा सकते हैं। आपकी फैमिली सपोर्ट के लिए, आपके पीछे फैमिली सिक्योरिटी इश्यू के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम ये। और है क्या, महीना का 1 रुपया तो देना है, तो जरूर जुड़िएगा इन स्कीमों से। सरकार खुद आम लोगों को ये बीमा उपलब्ध करवा रही है, तो आप भी इसका फायदा लीजिए। आप अपने किसी भी बैंक में आपका खाता है तो वहां जाकर के आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म ले सकते हैं और भर सकते हैं। आपके खाते से 12 रुपए कट जाएंगे साल के और आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री में मिल जाएगा। फ्री में बोले तो 12 रुपए में, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, वाराणसी से पीएम मोदी के सामने क्यों नहीं लड़ रही चुनाव, प्रियंका गांधी ने बताई वजह। जी आपको बता होगा वाराणसी से प्रियंका गांधी पीएम मोदी के विरुद्ध खड़े होने को लेकर कई सारी न्यूज में मीडिया में चर्चा चली थी, लेकिन आखिर फाइनली वो खड़ी नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, जब ये बात न्यूज 18 ने उनसे पूछी तो उनका जवाब ये था। तो प्रियंका ने कहा कि मेरा वाराणसी से चुनाव न लड़ने का फैसला सामूहिक नेतृत्व का है। और भी कुछ बातें कही जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर है। HAL में नौकरी निकली है, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले भी कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। 240 पदों पर वैकेंसी है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर वैकेंसी है ना। अब इसकी डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं, लास्ट डेट है इसकी 15 मई 2019। अच्छा, इसके अलावा अगला अपडेट है दोस्तों, मारुति एस क्रॉस अब पेट्रोल इंजन के साथ में लॉन्च करने जा रही है, बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस के साथ में एक नई कार। वहीं रॉयल इनफील्ड क्लासिक का भी एक नया अवतार आ रहा है। वहीं बात की हमने गाड़ियों की तो एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, टोयोटा और सुजुकी दोनों मिलकर के पहली एक नई कार लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा टोयोटा ग्लेंच। अब ये भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारत 2022 तक 54.7 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर पाएगा। फिच सॉल्यूशंस मैक्रो रिसर्च की इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत सरकार ने 2022 तक 175 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। ओके, और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी DLS टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। कई बार इस तरह के सवाल करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं दोस्तों मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टूल्स, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट वगैरह कुछ भी, अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और गिव अवे का अनाउंसमेंट रिजल्ट आपको हर सोमवार को DLS के ऊपर देखने को मिल जाएगा। हाँ, मुझे पता है आज सोमवार है, लेकिन आज हमारी कुछ टेक्निकल टीम की एब्सेंस की वजह से हम आपको गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है मंगलवार, बुधवार तक या इस वीक में या नेक्स्ट मंडे को, तो एनी हाउ कन्फर्म है, प्रॉमिस है, नेक्स्ट मंडे को एनी हाउ गिव अवे का रिजल्ट आ जाएगा। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ DLS न्यूज के ऊपर। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज के मुख्य समाचार टू द ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का वीडियो यहीं फिनिश होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, शेयर कीजिए दबा के, हर व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाना चाहिए ये वीडियो ताकि इंपॉर्टेंट जानकारियां हर एक भारतीय नागरिक के काम आ सके और आपके द्वारा भलाई का थोड़ा बहुत काम हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में। और हाँ, DLS न्यूज में पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।